नमस्कार, मैं साक्षी शिवा और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। खबर राजधानी पटना से है, जहां परिवहन विभाग के बिल्डिंग का निर्माण और बिल्डिंग में फ्लैट्स का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि यहां परिवहन विभाग के कर्मचारियों के लिए फ्लैट्स का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन इसके चालू होने पर अब भी संशय बरकरार है। पटना के फुलवारी शरीफ में परिवहन विभाग का नया बस टर्मिनल बनाने का काम अंतिम चरण में है। भवन निर्माण विभाग इस नए टर्मिनल को बना रहा है। नए बस टर्मिनल से जहां बसों की आवाजाही होगी, वहीं परिवहन से जुड़े सारे कामकाज और दफ्तर को भी राजधानी के अलग अलग हिस्सों से यहां शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए इसे परिवहन कॉम्प्लेक्स भी नाम दिया जा चुका है। यहाँ बस स्टैंड के साथ ही दफ्तरों के भवन और अधिकारियों और कर्मियों के रहने के लिए फ्लैट्स भी तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ से बसों की शुरुआत होने में थोड़ा समय लगेगा। जानकारी के मुताबिक भवन निर्माण विभाग की ओर से यहाँ पर तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन अप्रैल तक यहां से सभी सुविधाओं के शुरू होने पर संशय बरकरार है। परिवहन कॉम्प्लेक्स 95% बनकर तैयार हो गया है, लेकिन अब तक भवन निर्माण विभाग से NOC नहीं मिला है। दरअसल पटना के दिल समझे जाने वाले गांधी मैदान से सटे ही बांकीपुर बस डिपो है। बांकीपुर बस डिपो से सरकारी बसों के साथ ही निजी बसें बिहार और देश के दूसरे हिस्सों के लिए खुलती है। फुलवारी शरीफ में परिवहन भवन बनने के बाद सभी बसों का परिचालन बांकीपुर से बंद हो जाएगा। परिवहन भवन में परिवहन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 40 से अधिक फ्लैट्स का निर्माण पूरा हो चुका है। इन फ्लैटों में बिजली कनेक्शन पहुंचाया जा चुका है। यहां करीब 164 करोड़ रुपए से परिवहन विभाग के सभी दफ्तरों के लिए 12 भवनों का भी निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इसी परिवहन भवन से सिटी बसें भी खुलेगी। DTO और RTO ऑफिस में नए कंप्यूटर सिस्टम लगाने का काम अभी बाकी है। कंप्यूटर सिस्टम को नेट और बिजली कनेक्शन से जोड़ने के लिए वायरिंग का काम भी बाकी है। आपको बता दें कि वर्कशॉप में गाड़ियों की मरम्मत के लिए भारी उपकरणों को यहां शिफ्ट किया जाना है। नए परिवहन भवन में गाड़ियों को एक्सेस देने वाले अप्रोच पथ का निर्माण कार्य जारी है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।